जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गिर प्रदेश। यहाँ उपस्थित हमारे गणवीर और नरवीरांगनाओं को मैं बहुत बहुत जोहार करती हूँ। साथ ही यहाँ पे उपस्थित गांव के गमेती पंच पटेल और मेट कोटवाल को भी बहुत बहुत जोहार करना चाहूंगा। बस रक्तागण डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं भाई, जो खड़े हो आप इधर आ जाओ और जो आप लोग ऐसे आस्वस्थ बैठे हो थोड़ा आगे खिसको। ऐसे एक स्लोगन बहुत जोर शोर से चल रहा है कि बेनेश्वर की 80% जमीन जो है वो आदिवासियों के नाम पे होनी चाहिए। पर मेरा ये कहना है कि पूरे भारत भर की, ना सिर्फ बेनेश्वर की, पूरे भारत भर की 100% जमीन आदिवासियों का होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 5 जनवरी 2011 का जजमेंट कह रहा है कि 8% आदिवासी ही इस भारत के मूलवासी है, एबोरिजिन है। और ये 80% जमीन की जो बात हो रही है वो तो हम लेकर रहेंगे। कैसे लेकर रहेंगे? ये भारत का संविधान, इसके तहत हम अपनी जमीन लेकर रहेंगे। हम ये बोलते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, पर कैसे? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आदिवासियों का जल जंगल जमीन कैसे है? हम बोल तो देते हैं लेकिन हमको जल जंगल जमीन पे अधिकार जमाने के लिए किस तरह से लड़ाई लड़नी है ये हमको जानना पड़ेगा। कल तक हमारे पुरखे तीर धनुष लेकर निकल जाते थे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर, और जो अंग्रेजों के जनप्रतिनिधि थे, जजवाने थे, उनके साथ में लड़ाई लड़कर उन्होंने हमको जल जंगल जमीन दिलाया। लेकिन आज हमको यह लड़ाई कागज और कलम से लड़नी है और अपनी जानकारी से लड़नी है। तो यह जो 80% जमीन की जो बात हो रही है हमको कैसे लेना है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 13(3) का उसमें यह लिखा हुआ है कि आदिवासियों की रूढ़ी प्रथा को विधि का बल प्राप्त है। तो यहाँ पे उपस्थित हमारे मेट कोटवाल जो गांव की गमेती है उनकी वजह से हमको ये हमारी जमीन वापस मिल सकता है। और यह जो बेनेश्वर धाम है, जैसे कहा जाता है कि यह जमीन जो है आदिवासियों की थी और यह जमीन आदिवासियों की ही है, यह भारत का संविधान कह रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 3 लंबी-लेटी जजमेंट, उसमें ये कहता है कि आदिवासी क्षेत्र यानी कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में सारी की सारी जमीन जो है वह आदिवासियों की है, किसी की नहीं है। यहाँ तक कि सरकार जो है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, वह भी एक व्यक्ति है और उसकी 1 इंच जमीन भी आदिवासी क्षेत्र में नहीं है। यह जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट कह रहा है। तो इस प्रकार से जब गैर आदिवासियों की या फिर सरकार की 1 इंच जमीन भी यहाँ पे नहीं है तो फिर ये बेनेश्वर धाम पे गैर आदिवासियों का कब्जा क्यों है? यहाँ पे आदिवासियों का कब्जा क्यों नहीं है? यहाँ तक कि यहाँ पे आदिवासियों का कब्जा होना चाहिए और यहाँ का ट्रस्टी जो है वो हमारे आदिवासियों को ही बनाया जाना चाहिए। तो इस जमीन पर हमको कब्जा कैसे जमाना है? संविधान के तहत, कानून के तहत हमको कब्जा कैसे जमाना है? सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया कि सारी की सारी जो 5वीं क्षेत्र की जो जमीन है वह आदिवासियों की है। तो हमारे जो पटेल समिति है उनके द्वारा हम इस यहाँ के पूरे, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो जमीन है बेनेश्वर की, यहाँ पर एक जो है हमारे पुरखे होते थे जिसको कहते हैं खून, उनके द्वारा यह पूरा का पूरा क्षेत्र बसाया गया होगा। जानकारी दिया तो मालूम चला कि यहाँ पे कटारा गोत्र के लोग यहाँ पे सर्वप्रथम आए थे। और ये जो गांव है नवा गांव, यह गांव जो है कटारा गोत्र के द्वारा बसाया गया था। इस प्रकार से जब हमारे बाप दादा यहाँ पे आए थे, कटारा गोत्र के आए थे, इस प्रकार से नदी पहाड़ जंगल आदि का सीमाना तय करके ये गांव को तय किया था। और आपको यह जमीन कहाँ से मिलती है?
यह जो जमीन हमको मिलती है वह बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। आज भी वंशावली में हमारे बाप के बाप के बाप का नाम छपा हुआ है। जब इस जमीन पर जमीन के दस्तावेज पर हमारे बाप के बाप के बाप का नाम बसा हुआ है, लिखा हुआ है, तो यहाँ की खाली पड़ी जमीन जो है वह किसी और की कैसे हो सकती है, सरकार की कैसे हो सकती है। जब पूरा का पूरा गांव हमारे बाप दादा ने बसाया है तो इस जमीन पे भी आदिवासियों का ही कब्जा होना चाहिए। और कलेक्टर महोदय, बात है कि इस जमीन का पट्टा आदिवासियों के नाम पर ही करेंगे, ये मैंने बोलती हूँ। आपके राजस्थान टेनेंसी एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू बोर्ड जो है वह बोल रहा है कि यदि गांव किसी अपने गांव की जमीन को, ठीक है, इस गांव का भी सुबह होगा, इस गांव की जमीन के अंदर में जो गांव मिलकर किसी को जमीन अगर देता है तो वो जमीन कलेक्टर महोदय उसका पट्टा उसको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन हमारे जब कलेक्टर महोदय वो संविधान कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो इस प्रकार से आदिवासी समुदाय को संविधान के अनुच्छेद 13 का उपयोग करना आना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी आज जाग गए हैं। और इस प्रकार से संविधान का उपयोग करके हमको ना सिर्फ 80% बल्कि 100% जमीन यहाँ पे हमको चाहिए। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट का सेंट्रल जजमेंट है वह क्या कहता है कि यदि सरकार भी यहाँ पे जमीन लेती है तो वह उसकी ट्रस्टी रहेगी। और हमारी मांग ये है, क्योंकि पूरा का पूरा जमीन जो है संविधान कानून के तहत ये पूरा का पूरा जमीन जो है वह आदिवासियों की है, तो इस प्रकार से बेनेश्वर धाम का ट्रस्टी यहाँ के मूल मालिक को ही बनाया जाना चाहिए, ताकि जितना भी रेवेन्यू है, जितना भी यहाँ पे कमाई है वह हमारे आदिवासियों को मिलना चाहिए। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट का समता जजमेंट ये बात भी कहता है कि आदिवासी क्षेत्र में अगर यहाँ पे किसी कंपनी या गैरों के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया गया हो तो यहाँ पे जो भी व्यापार रोजगार है वह यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को ही मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर कलेक्टर महोदय यहाँ के स्थानीय व्यापार रोजगार के लिए आदिवासियों को नियुक्त नहीं करते तो इस प्रकार से कलेक्टर महोदय भी संविधान का उल्लंघन करते हैं। और इस वजह से संविधान का उल्लंघन करने की वजह से हमको उनको वोट में लेकर जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे वक्त है, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, संविधान की बातें हैं, कानून की बातें हैं, जिसके तहत आदिवासियों को अपने जल जंगल जमीन में कैसे अधिकार प्राप्त हो सकता है, ये सब की जानकारी बिल्कुल हो सकती है लोगों को। लेकिन चूंकि वक्तागण बहुत है इसीलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि अपने हक अधिकारों को संविधान में लिखित जो कि हमारे बाप दादा ने हमको देकर रखा है, ठीक है, अंग्रेजों से रजवाड़ों से लड़ाई लड़कर हमको ये अधिकार दिलाया है, इस अधिकार को हर एक लोगों को जानने की आवश्यकता है, जिससे कि ना सिर्फ 80% बिलेश्वर की जमीन बल्कि पूरे का पूरा भील प्रदेश की 100% जमीन भी आदिवासी